show the good game. निजी संघर्ष माध्यम क्रिकेट स्टैंडर्ड तुम्हें पाऊ शकाल तरी एक बाजून बदला संघर्ष माध्यम दर्जा या क्रिकेट से तुम्हारा पाया मिले ओवर द विकेट येतात सेकंड मध्ये योगेश पहिला चेंडू सतीची ताकत दाखवतो मैदानावरती गोलंदाज अरफ शेख पहिला चेंडू मैदानावरती विश्वजीत ठाकूर ची आठवण करून देतो मी प्रसाद सर चेंडू गुड लेंथ पडवून पडला तर बाउंस होतोय परफ्यूम डिलिव्हरी चला म्हटला सध्या कारण फलंदाजाच्या नाका समोर चेंडू टेक ऑफ होतोय आणि पहिल्या चेंडूवरती शांत केलं मैदानावरती गोलंदाज अरफ शेखच्या माध्यमातून योगेश पाडेला आता योगेश पाडेल मध्ये खूप सारी कुवत आहे खूप सारी गुणवत्ता आहे फलंदाज विशाल पवार मध्ये तुम्ही धावींचा वेग मदलती तुम्हाला पाहायला मिळेल निजी संघाच्या माध्यमातून हा चेंडू अतिशय वेगाने फेकला सातत्याने गुड लेंथ स्पॉट न वर चेंडू पहिला बाउंस झाला दुसरा चेंडू डीप मध्ये टिपला म्हणजे दोन चेंडू वरती वेरिएशन आपण पाहिलं आणि अप्रतिम सुरुवात मैदानावरती करून दिली जाते गोलंदाज अरफ शेखच्या माध्यमातून कौतुक करेल गोलंदाज अरफचं कारण समोर रतनबुवा पाळेल स्मृती चषकाचा डिपेंडिंग चॅम्पियन संघ आहे या संघासमोर स्वतःचा आत्मविश्वास टिकून ठेवणं ही खूप मोठी गोष्ट आहे अरफ शेखच्या माध्यमातून 16 ते 17 पावलांचा रन अप आहे गोलंदाजाचा हा चेंडू फुल टॉस विरकावून देतोय अप्रतिम नजर होती चेंडू वरती आणि लास्ट मोमेंटला चेंडूला प्रहार केलाय चेंडू जातो डीप बॅकवर्ड स्क्वेअरला लागला चेंडू फरार पहिला चौकार योगेश पाडेलच्या बॅटमधून चौकार होतो मैदानावरती आता मध्ये योगेश पाडेल आपल्या बॅटचा पेस ओपन केला चौकारांना अकाउंट ओपन होतो मैदानावरती ते म्हणजे निजी संघाचं गोलंदाज सर्जित मदती अरफ शेख ओव्हर द विकेट हा चेंडू वन सेकंड शफल झाले होते फलंदाज पंचांचा बोट आकाशाकडे येतोय फलंदाज बाद होतात लेग बिफोर विकेट पहिले यश मैदानावरती अरफ शेखला पहिला झटका मैदानावरती या जय हनुमान निजी संघाला योगेश पाडेल डगड मध्ये परततोय वेगवान गोलंदाजा समोर अतिशय चांगला फटका मागच्या चेंडूवरती पिकअप की लेन पिकअप करत असताना दाखवलं होतं योगेश पाडेल मध्ये त्याच फलंदाजाचा अंत झाला आहे आणि नवीन फलंदाज येतो मध्ये नितेश पाडेल स्वर्गीय रतनबुवा पाडेल स्मृती चषकाचा मॅन ऑफ द सिरीज ट्वीट कार तब्बल 550,000 कार टेनिस क्रिकेट विश्वामध्ये प्रथमच या खेळाडूला मिळाली तो नितेश पाडेल येतोय रतनबुवा पाडेल स्मृती चषकामध्ये 126 धावा आणि 19 फलंदाजांना बाद केलं आणि अष्टपैलू भूमिका या निजी संघाच्या माध्यमातून दाखवली आणि ज्या निजी संघाचं स्वप्न होतं रतनबुवा पाडेल स्मृती चषक उचलणं ते स्वप्न साकारलं नितेश पाडेल असतील अजय पाडेल असतील त्यानंतर विशाल पवार अतिशय चांगली कामगिरी अजय पाडेल याच्या नेतृत्वाखाली या निजी संघाने सादर केली तो निजी संघामध्ये सध्याच्या स्थितीला थोडासा बॅकफूटला पालवितोय कणिका बाजून अरब शेख मैदानावरती स्वतःची ताकद दाखवतोय या बदलापूर संघाच्या माध्यमातून या निजी संघाला म्हणजे तुम्ही योगेशला शांत ठेवलंय नितेशला शांत ठेवणं खूप कठीण असेल कारण गुणवत्ता आणि परिपक्व फलंदाज मैदानावरती येतोय या निजी संघाचा आधारस्तंभ नितेश पाडेल तिथे मिस्टेक होती त्या ठिकाणी नक्कीच गोलंदाजाच्या कारण हवेचा प्रवाह खूप जास्त होता म्हणजे सर आणि बेल्स आता खाली येते अतिशय चांगलं लक्ष आमचं नितेश इंद्रेकर आणि आमचे मेन पंच फिरोज खान मॅन फ्रॉम कल्याण या दोन पंचाच्या माध्यमातून पहरेदारी केली जाते या मागचे 3 दिवस सातत्यानं अतिशय चांगलं योगदान गोलंदाज सज्ज होता अरब शेख हा चेंडू फुल लेंथचा होता बॅक टू बॉलर ड्राइव्ह खेळण्याचा प्रयत्न होता बीट झाल्यामध्ये नितेश पाडेल अजून एक यश लाभ अरब शेखला कौतुक करेल मी प्रसाद सर अरब शेखचं कारण समोर जयनुमा निजे सारखे बलाढ्यशाली फलंदाज आणि अशा फलंदाजासमोर निर्धाव चेंडू फेकणं म्हणजे मातीतून तेल काढण्यासारखं असेल मग नितेश जसे जसे सेट होतील जसे जसे विशाल पवार मध्ये सेट होतील तसा तसा धाव्यांचा वेग धाव्यांचा ग्राफ मध्ये पुढे सरकवेल हा निजे संघ चेंडू गुड लेंथ स्पॉट वरना बाउंस होतोय अतिशय चांगली कामगिरी मैदानावरती अरब शेखच्या माध्यमातून पावर प्लेचा पहिला षटक या ठिकाणी कंप्लीट होतोय आणि पावर प्लेच्या पहिल्या षटकामध्ये धावा खर्च केल्या जातात मदती फक्त आणि फक्त एका चौकाराचा जर पद वगळला तर मात्र बाकीचे 5 चेंडू निर्धाव फेकलेत आणि एका फलंदाजाला बाद केलाय आणि एका षटकाखेरीस फक्त 4 धावा दमदार सुरुवात केली मैदानावरती या बदलापूर गाव संघानं पावर प्लेचं पहिलं षटक या ठिकाणी कंप्लीट झालंय आणि पहिल्या षटकाचं वाजवी खेळ कंप्लीट झाल्यानंतर फक्त आणि फक्त 4 धावा येतात आणि आता मध्ये सांगिक दुसरं षटक घेऊन येतात गोलंदाज कुणाल
पेंटकर द स्टाइकन वर्दी प्रथमता आपण पाहू शकाल डाव्यात एक विस्फोटक फलंदाज विशाल पवार एक अतिशय शक्तिशाली फलंदाज स्टाइकन वरती तुम्हाला पाहायला मिळतात डाव्यात आणि उजव्या हाताचे दोन हादास्तंभ जनुमा निजे संघाचे तुम्ही या ठिकाणी पाहू शकाल खूप मोठी जिम्मेदारी असेल विशाल पवारच्या खांद्यावरती वन मैन आर्मी नितेश पाटील मदती झुंज देतो संघाच्या माध्यमातून कौतुकास्पद कामगिरी केली आहे पहिल्या षटकामध्ये छाप सुटली मात्र वरती या बदलापूर गाव संघाच्या माध्यमातून अरब शेख ने ते सातत्यामध्ये टिकून ठेवेल गुणंदाज कुणाल पेनकर की या षटकामध्ये फलंदाज कुणाला टार्गेट करून धावींचा वेग मदती वाढवण्याचा प्रयत्न करतील हा चेंडू विशाल पवारसाठी ब्लॉकर मध्ये चेंडू होता खोदून काढतो चेंडूला मात्र अतिशय चांगला आणि दर्जेदार क्षेत्ररक्षण त्या ठिकाणी बदलापूर संघाच्या माध्यमातून तो पण बी टू द मैदानावरती फलंदाज विशाल पवार गोलंदाजी खूप चांगली मी पाहायला मिळती आहे सातत्याने बदलापूर गाव संघाच्या माध्यमातून षटकातला पुढचा चेंडू हा चेंडू चेंज ऑफ द पेस खूप दूरवर चेंडू होता अक्रॉस द बॅट चेंडूला हू करायचं होतं फलंदाज विशाल पवारला मग चेंडू एस्टनवरून निघून जात अजून एक डॉट बॉल अप्रतिम गोलंदाज मैदानावरती अचूक टप्पा आणि बेदक मारा मदती पाहायला मिळतो या गोलंदाजांच्या माध्यमातून षटकातला पुढचा चेंडू सज्ज होता विशाल पवार व्हॉट अ बॉलिंग परफॉर्मन्स विशाल पवार आणि नितेश पाटील यांसारख्या फलंदाजांना तोपर्यंत शांत ठेवलंय म्हणजे किती कुवत या बदलापूर गाव संघाच्या गोलंदाजीमध्ये दाखवून दिलं जातं मैदानावरती गोलंदाज कुणालच्या माध्यमातून विशाल पवार आणि नितेश पाटील त्यांच्या नावाचा डंका सातत्याने वासना मी पाहिलाय कल्याण डोंबिवली मध्ये त्यांच्या माध्यमातून मोठे फटके आम्ही पाहिले आहेत त्यांच्या माध्यमातून अप्रतिम इनिंग आम्ही पाहिली आहे ते फलंदाज धावांसाठी संघर्ष करतात हा चेंडू ब्लॉकल मध्ये होता बॅकफुटला ले रूम बनवला होता फलंदाज बाद होतो त्या ठिकाणी बिग विकेट विशाल पवार सारखा मोठा फलंदाज बाद झालाय अतिशय चांगली गोलंदाजी सातत्याने पाहायला मिळते म्हणजे जसं कुणाल पेनकरच्या माध्यमातून या न्यूजे सारख्या बलाट संघेला एकेका धावीसाठी झगडावं लागतं या ठिकाणी या बदलापूर गाव संघासमोर फलंदाज बाद होतो विशाल पवार कालच्या दिवसामध्ये निर्धाव षटक आपण पाहिलं अगस्त संघाचे गोलंदाज की जी मुंडेच्या माध्यमातून त्यानंतर आजच्या दिवसामध्ये निर्धाव षटक आपण पाहिलं सुधीर व्यापारीच्या माध्यमातून वाडेकर संघाच्या माध्यमातून पाहिजे आजच्या दिवसातलं दुसरं निर्धाव षटक मध्ये आमच्या प्रेक्षक वर्गाला या ठिकाणी पाहायला मिळतंय का कुणालच्या माध्यमातून कारण आतापर्यंत कुणाल बॅक टू बॅक चार चेंडू निर्धाव फेकलेत नवीन फलंदाज येतो मदती अजय पाटील एक विस्फोटक फलंदाज आहेत मध्ये स्वतःची ताकद आणि स्वतःची शैली आता मध्ये सादर करावी लागेल कारण येणाऱ्या काळामध्ये गरज आहे या निर्जय संघाला मोठ्या फडक्यांची जोपर्यंत नितेश पाटील मैदानावरती तोपर्यंत येणारे जरी स्लॉगोचे दोन षटक जरी या फलंदाजाला मिळाली तरी मात्र 55 ते 50 टार्गेट या ठिकाणी इझिली सेट करू शकेल हा निर्जय संघ तर याच दरम्यान आमचे निलजगावचे माजी सरपंच सन्माननीय गिरीधर शेठ पाटील आणि आमचे भावजी बब्बन रसाल यांचा व्यासपीठावरती सहर्ष स्वागत या स्पर्धेच्या माध्यमातून खूप मोठं व्यक्तिमत्व आहे आपल्या व्यासपीठावरती ज्यांच्या मान ग्रामीण वर्ल्ड कप आपण पाहिला होता त्यांनी माजी सरपंच आपलं सहर्ष स्वागत त्याच्या माध्यमातून गोलंदाज सज्ज होता मध्ये कुणाल अच्छा कुणाल इतिहास रचो का मध्यावरती हा चेंडू बॅट अँड पॅटच्या मधनं बॉटामॅटचा वापर केला अजय पाटील सिंगल येते मैदानावरती षटकामध्ये पहिली सिंगल पाचव्या चेंडूवरती कन्वर्ट केली जाते आतापर्यंत मध्ये 11 चेंडू फेकले गेलेत आणि 11 चेंडूंचा जर आतापर्यंत आपण विचार केला त्यामध्ये 9 चेंडू आतापर्यंत निदा फेकलेत आणि त्यामध्ये दोन फलंदाज सुद्धा आतापर्यंत बाद झालेत ते म्हणजे योगेश पाटील आणि विशाल पवार आता मध्ये सामन्याची जिम्मेदारी असेल अजय पाटील आणि नितेश पाटीलच्या खांद्यावरती अजून मध्ये नितेश पण करणं बाकी आहे मैदानावरती स्वर्गीय रतनबुवा पाटील स्मृती चषकाचा मॅन ऑफ द सिरीज प्लेअर ऑफ द टूर्नामेंट नितेश पाटील सातत्यानं बीट होत आहेत नजर नाही आहे चेंडूवरती सातत्यानं फुटबॉलचा वापर मदती करण्याचा प्रयत्न करत आहेत मग गोलंदाज खूप हुशार आहेत सातत्यानं स्वतःचं टॅलेंट मदती सादर केलं जात आहे ते म्हणजे या बदलापूर संघाच्या माध्यमातून दोन षटकांचा खेळ मदती कम्प्लीट झाला असं वाटलं होतं हा निजे संघ एकतर्फा सामना मैदानावरती या बदलापूर संघासमोर दाखवेल जी ताकद दाखवली गोलंदाज झरपनं जी ताकद दाखवली मदती कुणालनं कौतुकास्पद कामगिरी एक लावण्य जोखी गोलंदाज मदती दोन षटकामध्ये पावरप्लेमध्ये पाहायला मिळाली आणि पावरप्लेची दोन षटकांच्या खेळीचा अंत झाला पहिल्या षटकामध्ये धावायला चार दुसऱ्या षटकामध्ये धावली आहे फक्त आणि फक्त एक म्हणजे दोन षटका गडी बाद पाच धावा
तर यापुढचा होणारा सामना होणार आहे तो दुसऱ्या सत्र आपण बोलणार आहोत. लगेच बोनोली संघाचा संघनायक आणि देसाई संघाचा संघनायक, बोनोली संघाचा संघनायक सुनील पाटील आणि देसाई संघाचा नितीन म्हात्रे, विनंती असणार आपला सत्र समाप्त झाल्यानंतर आपण लगेच व्यासपीठ, लगेच नाणेफेकीसाठी आपण व्यासपीठे संपर्क साधायचा आहे. तर निलजगावचे सन्माननीय गिरीधर पाटील यांचं आगमन झालं, त्यांचं आम्ही स्वागत करतोय. तसे आमचे बबन रसाल साहेबांचं आगमन झालं, त्यांचं स्वागत करतोय. तसे आमचे हरीश पाटील, त्यांचं आगमन झालंय. तसे तिथं राजन पाटील आणि नितीश पाटील यांचे इथे आगमन झाले, त्यांना विनंती करतोय आपण स्थानपण बा व्यासपीठ, आम्ही तुमचं सहर्ष स्वागत करत आहोत. थँक्यू सो मच. सेकंड स्पेल मध्ये गोलंदाज अरफ शेख, आतापर्यंत अतिशय चांगली कामगिरी, मागची दोन षटक सातत्यानं आपण पाहिली आहे. आज आमच्या स्पर्धेचे शिल्पकार पप्पू धुळे मध्ये दिसत नाहीयेत, खूप मोठी जिम्मेदारी ज्यांच्या खांद्यावरती. या स्पर्धेचे आमचे लाडके शिल्पकार मंगेश दादा धुळे आणि चेतन दादा धुळे यांच्या माध्यमातून सोपूल दिसत आहे. आज ते सातत्यानं नजर मध्ये येत नाहीयेत. गोलंदाज सज्जत मदती सेकंड स्पेल मध्ये अरब शेखचा वापर मदती केला जातोय. सेकंड मध्ये अजय पाडील, ज्याच्याकडनं आशा आणि अपेक्षा असतील, आतापर्यंत पूर्णपणे बांधून ठेवलं मैदानावरती, तोंड उघडू दिलं जात नाही संघाच्या फलंदाजांना. हा चेंडू अजय साठी लास्ट मुवमेंटला लेटकट करायचा होता, मग चेंडू पडल्यानंतर बाउन्स झाला. आता मध्ये इम्प्रेस केलं मैदानावरती मच्छिंद्र सर गोलंदाज अरबनं. मागच्या षडक्यामध्ये सुद्धा या चेंडून सुरुवात केली होती आणि येणाऱ्या कामध्ये संघर्ष करावा लागेल हे दाखवून दिलं मैदानावरती गोलंदाज अरब शेखना. फलंदाज अजय पाडील आणि नितेश पाडील या दोन फलंदाजांना अतिशय वेगानं चेंडूला गुड लेन्स पडवरनं बाउन्स केलं जात आहे. आणि एक व्यावसायिक गोलंदाज जशा प्रकारे गोलंदाजी करतात तशा प्रकारची गोलंदाजी मदती अरब शेखच्या माध्यमातून या ठिकाणी पाहायला मिळते आहे. अतिशय मोठा रनअप तुम्ही या गोलंदाजाच्या माध्यमातून पाहू शकाल आणि तेवढीच गती मदती पाहायला मिळते आहे. हा चेंडू बॅकफुटला आले, इनसाइड आऊटच्या मदतीने खेळतो. क्षेत्ररक्षक होते त्या ठिकाणी, जेल घेण्याची संधी होती, जेल ट्राय केला नाहीये. चेंडूला पहिल्या बाउन्स वरती फील्ड केलं जात, तोपर्यंत दोन धाव आहे दिल प्रसाद सर आणि दोन धावेनं धावसंख्या पुढे सरकती आहे. त्यामध्ये नाजूक स्थितीमध्ये सापडल्या या मैदानावरती मी म्हणेल हा जनुमा निजस संघ, कारण धापलकामध्ये धाव आलेत फक्त आणि फक्त सात. त्या निजस संघाच्या माध्यमातून आम्ही षडकार चौकार पाहिलेत. आता मध्ये एक प्रश्न निर्माण होतो, कुठे हरवला तो निजस संघ? ज्यांना स्वर्गीय रतनबुवा पाडील स्मृती चषकामध्ये हुकूमत गाजवली. हा चेंडू वन सेकंड मोठा फटका दाखवतोय शेतक्षके त्या ठिकाणी, एक सेकंड भरला चेंडू ट्रॅव्हल होईल तोपर्यंत अजून दोन धावा मदती, सिंगल डबल मदती सातत्यानं धावींचा वेग पुढे सरकवण्याचा प्रयत्न केला जातोय. मग अजय पाडीलला अजूनपर्यंत संधी मिळत नाहीये, कारण गोलंदाजी खूप चांगली होती आहे. मग संयम अजूनपर्यंत बाळगून ठेवला अजय पाडील आणि नितेशनं, कारण दोन फलंदाजांना माहिती आहे अरबचा षटक कम्प्लीट झाल्यानंतर अजूनपर्यंत स्लॉगरची दोन षटक बाकी आहेत. जरी त्या दोन षटकांमध्ये येणाऱ्या गोलंदाजांना टार्गेट केलं तरी एक मजबूत स्थिती निर्माण करू शकेल तो म्हणजे अजनुमा निजस संघ. ओव्हर द विकेट हा चेंडू अप्रतिम फटका, डोळ्याचा पार्ड फेडणारा स्ट्रोक, लास्ट मोमेंटला अपरकट केलाय. चेंडू जातोय गलीच्या डोक्यावर सीम पलीकडे चौकार. काल पडल्यानंतर जास्त बाउन्स होतोय आणि बीट झाल्या मैदानावरती वन सेकंड फलंदाज अजय पाडील. मागच्या चेंडूवरती अतिशय चांगला फटका आला होता, त्यामुळे ज्या फटक्याने इम्प्रेस केलं होतं अजय पाडीलनं असं वाटलं होतं आता अजय पाडील कम बॅक करेल. त्यानंतर पुन्हा एकदा ताकद दाखवते आपल्या गोलंदाजीची, आपल्यामध्ये किती क्षमता आणि आपल्यामध्ये किती कुवत आहे हे सातत्यानं दाखवून दिलं मैदानावरती या बदलापूर संघाच्या गोलंदाजानं. खास करून मी म्हणेल अरबनं, त्यानंतर कुणाल आले, त्या कुणालला सुद्धा एकच धाव खर्च केली आणि विशाल पवारला बाद केलं. मूर्ती असणार आहेत निलजेगावचे सन्माननीय माजी सरपंच गिरीधरशेट पाटील यांचा यथोचित सन्मान केला जाईल. या स्पर्धेचे सर्व करते सन्माननीय मंगेशदादा धुळे यांना विनंती करतोय की आपल्या शुभास्ते आपण मायेची भगवी शाल त्यांच्या अंगावरती परिधान करायची आहे, कारण ज्यांच्या माध्यमातून ज्या हनुमान क्रिकेट संघ निलजे आज उभा राहिला आहे आणि ज्या क्रिकेट संघाला खेळण्यासाठी उपयुक्त असं मैदान नव्हतं मात्र त्यांच्या पुढाकार कारातून ते मैदान बनवण्यात आले. हरिभक्त परायण मारुतीबुवा पाटील क्रीडांगणाचं नामकरण गेल्या वर्षी गतवर्षी केलं होतं त्यांच्या माध्यमातून, असे अत्यंत चांगले असे व्यक्ती आमच्या व्यासपीठावर. त्याच्यानंतर निलजेगावचे सामाजिक कार्यकर्ते बबनशेठ रसाल यांना सुद्धा मंडळाच्या वतीने शाळाने या स्पर्धेचं सन्मानचिन्ह असणार बौद्धचिन्ह असणार सन्मानचिन्ह देऊन या ठिकाणी त्यांना सुद्धा सन्मानित करण्यात येतोय. तीन षटकाचा वादविकीय मदती कम्प्लीट झाला. जर स्पर्धेचा विचार केला तर ग्रामीण साठी तब्बल फर्स्ट प्राइज आहे 3 लाख, प्राइज लाईक सेकंड प्राइज 150. त्याच्यानंतर ग्रामीण चषकाचे आयोजक सन्माननीय हरीश पाटील यांना सुद्धा मंडळाच्या वतीने शाळांनी
सन्मान चिन्ह देऊन त्यांना सुद्धा या ठिकाणी सन्मानित करणे देतोय। नाउ बॅक टू द क्रिकेट उल्या मैदानावरती त्यामध्ये येणारे षटक कंप्लीट झाल्यानंतर आपण सत्कार समारंभ कंप्लीट करू। तब्बल 8,50,000 रुपयाचं कॅश प्राइज या स्पर्धेमध्ये दिल्या जाते आमच्या आयोजकांच्या माध्यमातून। तसेच 1,50,000 मॅन ऑफ द सिरीज प्लेअर ऑफ द टूर्नामेंट नॅनो कार तुम्ही पाहू शकाल। 50,000 रुपयाची LCD TV शहरी विभागासाठी तुम्ही या ठिकाणी पाहू शकाल। म्हणजे तब्बल 12,00,000 रुपयाचं नुसतं मानधन या संघांना या ठिकाणी दिल्या जाते स्पर्धेच्या माध्यमातून। आणि हे अप्रतिम आयोजन आमच्या स्पर्धेचे शिल्पकार मंगेशदादा धुळे आणि चेतनदादा धुळे यांच्या माध्यमातून तुम्ही पाहू शकाल। म्हणजे या स्पर्धेचं स्टँडर्ड किती आहे, या स्पर्धेमध्ये किती इन्व्हेस्टमेंट केली जाते आमच्या आयोजकांच्या माध्यमातून तुम्ही पाहू शकाल। या ठिकाणी सांगिक चौथा षटक गुण येतो। गोलंदाज नन्ना शेख कॅप्टन ऑफ द टीम हा चेंडू भिरकावून दिला नितेश पाटील चेंडू गॅप मध्ये चेंडू फरार होतोय लॉंगन आणि मिड विकेट मधनं चेंडू मिड विकेट झोन क्लिअर करत असताना 4 धावा। आमचे देसाईचे सर्वांचे लाडके सुखदेव काका म्हात्रे यांच्याकडून शुभागमन झालंय। स्वागत आहे काका आपलं, प्लीज कम ऑन द स्टेज। या आपण व्यासपीठावरती आपलं सहर्ष स्वागत या स्पर्धेच्या माध्यमातून केलं जाईल। गोलंदाज सज्ज होता नन्ना हा चेंडू वन सेकंड बॅटचा पेस ओपन केला नितेश पाटील इज ऑन अ फायर। जे फलंदाज मागचे 3 षटक थांबले होते मध्ये ज्या फलंदाजाचं कौतुक केलं तोच फलंदाज आता मध्ये स्वतःची गुणवत्ता दाखवतोय आमच्या लाडक्या प्रेक्षक वर्गाला। सहाने धावसंख्या वेगाने पुढे सरकतीये 2 चेंडूवरती दसका दम दाखवतो मी म्हणाल फलंदाज नितेश पाटील। या षटकामध्ये आता मध्ये नन्नाला टार्गेट केलं जो संघ नायक आहे या बदलापूर गाव संघाचा त्या नन्नाला आता मात्र टार्गेट केल्यामध्ये नितेश पाटील ना हा चेंडू अजून एक मोठा फटका मतलब मिस टायमिंग क्षेत्ररक्षक जज करत आहेत बिग विकेट फलंदाज बाद होतोय नितेश पाटील। ज्या फलंदाजाची गरज होती स्लॉगोरच्या या 2 षटकामध्ये या बदलापूर संघाला अशा स्थितीला नितेशनं आपल्या संघाला अर्ध्या वाड्यावरती सोडलंय जिम्मेदारी ढकलली मध्ये नितेश पाटील ना 3 झटका निजगाव संघाला। नवीन फलंदाज येतो मैदानावरती संतोष पाटील मिडल ऑर्डर मध्ये 4 क्रमांकावरती 5 क्रमांकावरती त्यात संतोष आता मध्ये अजय पाटीलला बॅटचा पेस ओपन करावा लागेल। धापलग्यावरती 10 बाद आतापर्यंत नाजूक स्थितीमध्ये पाहायला मिळतात फक्त 26 मध्ये 10 चेंडू बाकी आहेत। जर त्या 10 चेंडूवरती 20 ते 22 धाबा एकवटल्या गेल्या तर एक फायटिंग स्कोर उभा राहू शकेल हा निजगाव संघ। हा चेंडू अजय साठी फुल इन चौथा आता चेंडू पडल्यानंतर अतिशय डीप मध्ये राहतोय आणि सातत्यानं बीट होतात मैदानावरती। आज मध्ये निजेगाव संघ कुठे का होईना थोडस शांत पाहायला मिळतं ज्या निजे संघाच्या माध्यमातून सातत्यानं आम्ही अप्रतिम कामगिरी पाहिली आहे त्याच निजे संघाला मैदानावरती शांत ठेवला खास करून अरफनं कुणालनं त्यानंतर अजून प्रयत्न करतात मदती नन्ना शेख कॅप्टन ऑफ द टीम। पहिल्या 2 चेंडूवरती 10 धावा आल्या होत्या त्यानंतर टार्गेट केलं नितेश पाटीलला आणि आता टार्गेट केलं सध्या मैदानावरती अजय पाटीलला। हा चेंडू लव फुल टॉस होता एकरस बॅटना भिरकावण्याचा प्रयत्न होता मात्र चेंडू व्यवस्थित बॅटवरती नाहीये चेंडू प्रॉपिंग रिचच्या बाहेर ट्रॅव्हल होतोय तोपर्यंत अजून एक सिंगल मदती येणारी प्रत्येक सिंगल डबल खूप उपयुक्त असेल निजेगाव संघाच्या बाजून। सिंगल डबलला जास्त फरक पडणार नाही मैदानावरती या बदलापूर संघाला कारण आधीच धावांची इन्व्हेस्टमेंट कमी आहे या ठिकाणी निजे संघाची आणि जर स्लॉगोच्या षटकामध्ये सिंगल डबल आल्या तर मग आता बॅकफूटला येऊ शकेल सेकंड सत्रामध्ये हा निजे संघ। आता जरी 40 ते 45 धावा झाल्या तरी फायटिंग देऊ शकतील निजेगावचे गोलंदाज। हा चेंडू संतोषसाठी लेनचा विचार नक्कीच करावा लागेल आमचे मेन पंच योगेश इंद्रेकर आमच्याकडे वैद्यात हा चेंडू खराब आहे आणि पहिली वाईटची धाव या ठिकाणी या सत्रामध्ये येते ती म्हणजे बदलापूर संघाच्या माध्यमातून धावसंख्या सिंगलने पुढे सरकती आहे स्कोर मोजून 28 थोडासा बॅकफूटला आतापर्यंत हा निजे संघामध्ये प्रयत्न करावे लागतील फलंदाजांना। हा चेंडू ब्लॉकलमध्ये होता खोदून काढतो चेंडूला चूक झाली आहे त्या ठिकाणी बॅकअपसाठी कोणी नाहीये आता मात्र चेंडू चकवा देतो शिदर्शकाला आणि चेंडू फरार होतो लॉंग रेंज मध्ये 4 धावा गुड शॉट। तिथे थांबा आपण थोडं यावेळेस पुन्हा एकदा वळतोय सत्कार समारंभाकडे ज्या ठिकाणी या ठिकाणी सत्कार मूर्ती असणार आहेत आमच्या व्यासपीठावरती
ज्याने खरोखरच बरीच वर्ष क्रिकेट वरती जे दोन अनमोल हिरे दिले आहेत आपल्या या टेनिस क्रिकेटला, असे लाडके आणि आमचे प्रेरणास्थान यांच्या माध्यमातून आम्हाला एक व्यासपीठ निर्माण करून देण्याचा त्यांचा प्रयत्न होता आणि तो हक्काचं व्यासपीठ मिळवून देणारे आमचे सुखदेव काका म्हात्रे यांचा यथोचित सन्मान केला जातोय. मी सन्माननीय मंगेश दादा धुले यांना विनंती करतोय की आपल्या शुभाशय आपण सुखदेव काका म्हात्रे यांचा यथोचित सन्मान करावा, मायेची भगवी शाळ आणि सन्मान चिन्ह देऊन त्यांना या ठिकाणी गौरवण्यात यावं. तर उपस्थितांना विनंती आहे जरा जोरदार टाळ्या होत्या काकांच्या साठी. निश्चित जगदीश एक लोकप्रिय क्रिकेटर आणि ज्यांच्या माध्यमातून ठाणे जिल्ह्यातील क्रिकेट घडलं आणि सर्वांचे आमचे प्रेरणास्थान, ते सर्वांचे लाडके व्यक्तिमत्व, वयाचे 57 वर्ष क्रिकेटचा मोह ज्यांच्या माध्यमात आम्ही पाहतो, ते सर्वांचे लाडके सुखदेव म्हात्रे यांचं आम्ही ते स्वागत करतोय. त्याचा त्यांनी स्वीकार केला त्याबद्दल त्यांचं मनापासून आभार. बॅक टू क्रिकेट. शेवटचं षटक घ्या आणि स्लॉगच्या षटकामध्ये वापर केला जातोय गोलंदाज नूरा कुहारी. शेवटच्या षटकामध्ये येतात हा चेंडू अजय पाटील साठी स्ट्रॉंग अपील. पंच दाखवत्या त्या ठिकाणी बॅट कॅट आहे. अपीलच्या नादामध्ये चेंडूला फील्ड करणं विसरून गेले होते गोलंदाज नूरा, त्याचाच फायदा उचलला मैदानावरती. दोन्ही फलंदाजामध्ये चांगलं तालमेल होतं आणि ज्या ठिकाणी सिंगल होती त्या ठिकाणी दोन धावा बनवल्या जातात अजय पाटील आणि संतोष माध्यमातनं आणि धाव संख्या 2 ने पुढे सरकती आहे. धापलकावरती धाव आहे 34. जरी बदलापूर गाव संघानं मच्छिंद्र सरमी म्हणाल गोलंदाजी चांगली सादर केली असली तरी निजेश संघाकडे खूप मोठी ताकद आहे गोलंदाजांची. कारण निजेश संघाकडे चेतन सारखे गोलंदाज आहेत, नितेश सारखे गोलंदाज आहेत. तर मी 42 ते 45 धावा खूप आवश्यक असतील या निजेश संघाला. हा चेंडू सातत्यानं बीड होतमध्ये अजय पाटील फलंदाज बाद झालेत क्लीन बोर्ड. अजून एक यश मैदानावरती गोलंदाज नूरा कुवारीला फलंदाज बाद होतात अजय पाटील. चौथा झटका या निजेश संघाला. आणि बदलापूर संघाला एक आम्ही सूचना देतो आपले खेळाडू बाउंड्री लाईनची जी लाईन आहे त्याच्या बाहेरून स्टार्ट घेत आहेत. आमच्या आयोजकांना त्या गोष्टी निदर्शनात येत आहेत. सर वन्स अगेन तुम्ही जर तसं केलं तुम्हाला 2 धावीसाठी या ठिकाणी पॅनल्टी दिली जाईल आमच्या आयोजकांच्या माध्यमातून. धापलकपती धाव आहे 34. अजूनमध्ये या षटकातले 4 चेंडूमध्ये बाकी 34. अजूनमध्ये 34 धावा धापलकपती पाहायला मिळतात. फलंदाज बाद झाले 4 आणि नवीन फलंदाज येतो मैदानावरती केतन पाटील. सतत्यानं अतिशय चांगली गोलंदाजी मध्ये ती पाहायला मिळतीय या बदलापूर गाव संघाच्या माध्यमातून. सुरुवात करून दिली अरफनं. हा चेंडू ब्लॉकल मध्ये होता, गुडघ्याचा वापर केला होता फलंदाजानं. एकरस बॅटनं मिड विकेटला एक मोठा फटका सादर करायचा होता केतन पाटीलला. केतनला यश लाभत नाहीये कारण गोलंदाजी खूप चांगली होती. अचूक टप्पा आणि भेदक मारा सतत्यानं गोलंदाजीमध्ये पाहायला मिळतोय या बदलापूर गाव संघाच्या माध्यमातून. धावसंख्या सिंगल पोलीस धापलकवती धावते 35. आता मध्ये बॅटचा पेस ओपन करावा लागेल संतोषला कारण 3 चेंडू बाकी आहेत. हा चेंडू लास्ट मोमेंटला फक्त दिशा देतोय. आउटफिट फास्ट आहे, क्रिकेटचा माध्यम सौंदर्य दाखवतो फलंदाज. चेंडू फाइनल लेग झोन मध्ये चौकार 4 धावा. तर ओमकार बदलापूर संघाला 2 धावांची पॅनल्टी देण्यात आलेली आहे कारण तुम्हाला वारंवार सूचना देऊन सुद्धा तुम्ही बाउंड्री लाईनवर यायली मात्र स्टार्ट घेते. तुम्हाला 2 धावांची पॅनल्टी इथे आम्ही घोषित करतोय आयोजकाच्या वतीनं. 2 धाव्याची पॅनल्टी तुम्हाला लावली गेली आहे. जर तुम्ही आरडाओरडा केला तर अजून 2 धाव्याची पॅनल्टी दिली जाईल हा निर्णय येतोय आमच्या आयोजकांच्या माध्यमातून. पंचांना विनंती असेल आयोजकांच्या ज्या निदर्शनास आलं होतं त्या गोष्टीमुळे या ठिकाणी पॅनल्टी दिली जाते आणि 2 धावा पॅनल्टीच्या ऍड केल्या जातील. धापलकपती धावा आहेत मैदानावरती, त्या म्हणजे या ठिकाणी आपण पाहू शकाल 39 धावा. आणि ज्यावेळी पहिलं सत्र कम्प्लीट होईल त्यानंतर 2 धावा अजून आपण ऍड करू. गोलंदाज सज्जत मैदानावरती नूरा. हा चेंडू पंचांचा इशारा येतोय, हा चेंडू ऑफसिकच्या बाहेर आहे. एव्हरी डे आउट द ऑफ स्टंप दिस कॉल द वाईड. आणि अजून एक अवांतर धावा मैदानामध्ये लाभेल. आधीच धावींचा दुष्काळ आहे निजेश संघाच्या बाजूनं आणि येणाऱ्या अवांतर धावा खूप उपयुक्त ठरतील. आणि 2 धावा आपण पॅनल्टीच्या ऍड करू आणि धापलकामध्ये टोटल धावा या ठिकाणी आपण पाहू शकता 42 धावा धापलकामध्ये आता पाहायला मिळतात. अजूनपर्यंत स्लॉगच्या षटकातले 3 चेंडू मध्ये बाकी आहेत. पाहिजेत त्या 3 चेंडूवरती 2 चेंडूवरती कितपत धावा जमवतोय हा निजेश संघ. हा चेंडू लव फुल टॉस होता, बॅट अँड बॅटच्या मध्ये भिरकावून दिले चेंडूला. क्षेत्ररक्षक होते त्या ठिकाणी लॉंग ऑफला, त्या लॉंग ऑफच्या क्षेत्ररक्षकाला चेंडू बीट करतोय. चेंडू 1 बॉल इनटू द फॅन्स, भगवत चौकार.
चौकारानं मजबूत स्थिती मध्ये येतोय तो म्हणजे हा निजे संघ. कमी म्हटलं होतं जरी अरफने चांगली कामगिरी केली आहे तरी हा निजेगाव संघ सातत्यानं संयम बाळगून ठेवेल आणि स्लॉगर मध्ये चांगलं क्रिकेट निजे संघाच्या माध्यमातून तुम्ही पाहू शकाल. आणि आतापर्यंत धापल कधी धावा 46 एक चेंडू अजूनपर्यंत मदती बाकी आहे. गोलंदाज नुरा सज्ज होतोय. हा चेंडू यावेळी भिरकावून देण्याचा प्रयत्न होता. आता चेंडू पॅडवरती आत होतोय तोपर्यंत सिंगल मदती कन्वर्ट केली जाईल आणि सिंगलच्या मदतीनं या ठिकाणी पहिलं सत्र या ठिकाणी कंप्लीट झालंय. धापलकामध्ये 10 मैदानावरती 47 आणि येणाऱ्या काळामध्ये विजयासाठी 48 धावा सेकंड सत्रामध्ये बनवाव्या लागतील बदलापूर गाव संघाला. निजे संघाच्या माध्यमातून मी कौतुक करेल संतोष पाडीलचं सामना केला आणि 13 धावा उपयुक्त अशा 13 धावा संतोष पाटीलच्या माध्यमातून एकवटल्या गेल्या आणि 47 धावेचं टार्गेट मध्ये सेट केलं या जनुमा निजे संघानं. तर प्रेक्षकांना विनंती, जे प्रेक्षक आमच्या पडद्याच्या वरती पाय ठेवून उभे आहेत त्यांना विनंती करू मित्रांनो क्रिकेटचा सन्मान करा आपण. दादांची तुम्हाला सूचना आहे आयोजकाच्या वतीनं ज्या प्रेक्षकांना ज्या पडद्यावरती पाय ठेवले त्यांना विनंती करेन की स्पर्धेचा रिस्पेक्ट करा आपण. महाराष्ट्रातील सर्वात मोठी स्पर्धा तुम्ही पाहतात तर आम्हाला अपेक्षा आहे तुमच्याकडनं कॉपरेशनची, तर कॉपरेट करा प्लीज. तर नाणेफेकीसाठी मी आमंत्रित करेन आजचा पुढचा सत्र प्रमाणावर दुसऱ्या फेरीतला आपण पहिला सामना बोनोलीवरचे देसाई एका बाजूला नितेश असणार आहेत एका बाजूला सुनील पाटील असे दोन संघांना आपण पाहणार आहोत. तर मी आमंत्रित करेन आजच्या आमचे आमंत्रित सन्माननीय आमचे सर्वांचे लाडके गिरीधर शेट मारुती पाटील साहेबांना विनंती करेन. माजी सरपंच निलजय यांच्या माध्यमातून 37 वर्षाची परंपरा मकर संक्रांतीची स्पर्धा ज्या जहानमान संघाकडनं खेळली जाते त्या संघाचे आमचे प्रेरणास्थान आमचे सर्वस्व सन्माननीय गिरीधर साहेबांना विनंती करेन की आपण खाली यावं आणि आपल्या शुभास्य आपण नाणेफेकी करावी. तर पुढचा बिग फाईट सामना बोनोली एका बाजूला आपण बघू शकाल खूप मोठी ताकद आहे बोनोली संघाची फलंदाजी तर दुसऱ्या बाजूला देसाई संघाची ताकद आहे त्यांची गोलंदाजी. या दोन संघांमध्ये आपण बिग फाईट पाहणार आहोत. तर आमचे सर्वांचे लढके व्यक्तिमत्व आमच्या कल्याण डोमेल विभागातील सर्वात चांगलं व्यक्तिमत्व निलजेगावचे माजी सरपंच सन्मान्य गिरीधर पाटील यांच्या शुभाशय आम्ही नाणेफेकी करतोय. ते खूप चांगले आयोजक आहेत त्यांच्या माध्यमातून खूप मोठी स्पर्धा. तर आमचे नितेश पाटील आणि राजन पाटील यांचे आगमन झाले त्यांचं विनंती करतोय. आपणही व्यासपीठ होत्या तुमचं सुद्धा आम्ही हार्दिक स्वागत करतोय. तर नाणेफेकीचं कौल होतोय दुसऱ्या संघ आपण बोलणार आहोत लगेच या सामन्यानंतर. नाणेफेकीचं कौल गेले तो बोनोली संघाकडं आणि त्यानं क्षेत्ररक्षणाला प्रथम प्राधान्य दिलंय आमंत्रित केलंय फलंदाजीला देसाई संघाला. तर सामन्याचं दुसरं सत्र इथे सुरू होतं या ऐकूया आपण. 37 धावांची गरज आहे. सामना निलजे संघ एका बाजूला जामना क्रिकेट संघ ज्यांना आत्ताच रतन बस्म चषक उचलला त्यांचं आम्ही अभिनंदन करतोय. तर दुसऱ्या बाजूला आपण पाहतोय बदलापूर विभागातील दोन संघ असे आम्ही पाहतोय एक जोहिली आणि एक बदलापूर गाव असे दोन संघ आम्ही पाहतोय. त्या दोन मोठ्या संघांमध्ये आपण सामना पाहतो. आता एका बाजूला असणारे बदलापूर संघ दुसऱ्या बाजू निलजे संघ सामने तिरंगेल या ऐकूया आपण प्रसाद परब यांना. थँक्यू सो मच. हॅलो एक हँडसम पर्सनॅलिटी मयूर आणि तेवढीच सुंदर गाणीसुद्धा त्यांच्या माध्यमातून आपण प्रेक्षक ऐकत आहोत. आमचे सर्व आमचे पाहुणे आणि त्याचबरोबर आमचे आयोजकसुद्धा ऐकत आहेत. तर इथे मात्र तुम्ही पाहतात की बदलापूर संघ मॅक्झिमम या संघामध्ये तुम्ही पाहतात मुस्लिम विभागातले मुस्लिम समाजातले मात्र खेळाडू आहेत. तर आपण त्यांच्यासमोर आपण घेऊन येऊ आहे की हिंदी समालोचन वळी आपण मैदानाकडे. इस मॅच को अगर देखा जाए तो 48 रनों की यहाँ पे जरूरत इस मॅच को जीतने के लिए बदलापूर बनाम निलजे यहाँ पे मुकाबला चल रहा है. एक चॅम्पियन टीम जहाँ पे आप देख रही है देखने जा रही है की इस वर्ष की 2017 जो 16वा साल था स्वर्गीय लेट रतन बुआ पाटील स्मृति चषक टूर्नामेंट का और उस टूर्नामेंट के ये चैंपियन टीम है और इस चैंपियन के सामने देखना है कि बल्लेबाजी करने के लिए उतरी है वो बदलापुर की टीम उनके सामने जो लक्ष्य रखा है वो 48 रनों का 47 रन बनाए तो निलजे टीम ने
निर्धारित पांच ओवर में पांच ओवर की समाप्त के बाद रन बने और 47 रन। अगर देखा जाए तो हर एक बल्लेबाज ने अपना कंट्रीब्यूशन दिया। यहाँ पे हमने अपेक्षित किया था कि नितेश अच्छी बल्लेबाजी कर लेंगे, लेकिन उन्हें सिर्फ 11 रन बनाए, लेकिन आखिरी क्षण में आए वो संतोष। उन्होंने बहुत ही बेहतरीन बल्लेबाजी की अपनी टीम के लिए, 13 रन अपने बल्ले से जमाए अपनी टीम के लिए सिर्फ 4 गेंदों में, और यहाँ पे 47 रन बने। 48 रनों का लक्ष्य रखता है वो बदलापुर टीम के सामने। जैसे मैंने कल प्रेडिक्ट किया था कि अतुल अच्छी गेंदबाजी करेंगे, लेकिन अब इस समय मेरे साथ संदेश जुड़ चुके हैं जो हमारे ऑफिशियल स्कोरर है, तो उन्होंने यहाँ पे प्रेडिक्ट किया है कि ये मैच ये आखिरी क्षण तक देखा जाएगा, एक अच्छा मैच देखने को मिलेगा हमारे सारे दर्शकों को। चलो मैच की तरफ रुख करते हैं, मैदान की तरफ रुख करते हैं, इस टूर्नामेंट की तरफ रुख करते हैं, और दोनों अंपायर से भी यहाँ पे विनती करता हूँ कि मैच को तुरंत स्टार्ट करना है। पहला ओवर लेके उनके हमेशा पहला ओवर लेने वाले गेंदबाज आए हैं गेंदबाजी करने के लिए नितेश, और बल्लेबाजी करने के लिए स्ट्राइक एंड पे है वो नूरा, और नॉन स्ट्राइक एंड पे बल्लेबाज है वो रमीज। बेस्ट ऑफ लक। पहली गेंद यहाँ पे बॉटमैन के सारे गेंद को फ्लिक कर दिया, गेंद को पीछे भेज दिया, शॉर्ट थर्ड मैन पे बहुत ही बढ़िया वहां पे फील्डिंग चेतन द्वारा। एक अच्छा प्लेयर अच्छी गेंदबाज इस रूप में माने जाते हैं, और वो वहां पे फील्डिंग कर रहे हैं वहां पे फील्डर चेतन। पहली गेंद डॉट परफेक्ट यॉर्कर यहाँ पे डाला था, लेकिन फ्लिक के सारे गेंद को मोड़ दिया था बल्लेबाज नूरा ने। अगली गेंद फिर एक बार कासगांव गेंद से गेंदबाजी करते हुए यहाँ पे गेंद देख रहे हैं, जाने दिया, देखा बरका, बाद में यहाँ पे बैट को पीछे मोड़ लिया, गेंद जाती हुई ऑफ स्टंप के काफी बार, और इट इज वाइड। पहला ही यहाँ पे इशारा आता हुआ हमारे अंपायर से, इट इज वाइड, और वाइड के सारे रन संख्या आगे बढ़ती हुई 1 रन। अगली गेंद बॉटमैन के सारे गेंद को सामने खेल दिया, बॉल्स बैक ड्राइव, बहुत ही बढ़िया गेंद, बल्लेबाज को यहाँ पे मजबूर किया सामने खेलने के लिए, बहुत ही अच्छी गेंदबाजी, अच्छा प्रयास। अगर पहले ओवर में आप बल्लेबाजों के ऊपर दबाव बनाने में कायम रह गए तो अच्छी गेंदबाजी, अच्छी यहाँ पे मैच देखने को मिलेगी। फिर एक बार नितेश ओवर द विकेट, इस गेंद को उठा के खेल दिया, बहुत ही बढ़िया स्ट्रोक, दो खिलाड़ों के बीच में से गेंद झन्नाटे के साथ निकल गई सीमा रेखा के बाहर, बहुत ही बढ़िया स्ट्रोक, चौका। चोली चमचे कुबिराईला तुझा आशीर्वादाने ठेव सदा सुखिया कर ले गावाला, गौसर जमलय गो तुझे जतनला। बहुत ही बढ़िया स्ट्रोक, दिल को ललचाने वाला, मन को लुभावने वाला ये बहुत ही बढ़िया एक्स्ट्रा कवर ड्राइव, और गेंद सीमा रेखा के बाहर, एक करारा शॉट, 4 रन के स्कोर कार्ड के ऊपर 5 रन। अगली गेंद नितेश की ओवर द विकेट गेंदबाजी करते हुए नूरा के लिए, गेंद को उठा के खेल दिया, बहुत ही बढ़िया और दर्शनीय स्ट्रोक, मिड विकेट की दिशा में जाता हुआ दर्शकों में जाके गेंद गिरती हुई, और ये 6 रन। तो एक यहां पे इनाम आ चुका है, शामिर हत्तार जो है उनके सपोर्टर, उनकी तरफ से एक इनाम आ चुका है बल्लेबाजों के लिए। बल्लेबाजों की टीम के बल्लेबाज कोई भी बल्लेबाज यहाँ पे 3 गेंदों में 3 यहाँ पे सिक्सर जड़ देता है, 3 छक्के जड़ देता है, तो उनके लिए 1000 रुपए का नगद इनाम दिया जाएगा शामिर हत्तार की तरफ से। थैंक यू शामिर, ये एक प्रोत्साहन है बल्लेबाजों को जो कैश के प्राइज में दिया जा रहा है। रन संख्या इस 6 रन और एक चौके के साथ यहाँ पे गति में परिवर्तित होती हुई काफी तेजी के साथ आगे बढ़ती हुई 11 रन स्कोर कार्ड के ऊपर, बहुत ही बेहतरीन स्टार्ट यहाँ पे अपने टीम के लिए। बदलापुर की टीम एक चैंपियन के सामने एक अच्छी लड़न दे रही, यहाँ पे अच्छी बल्लेबाजी करते हुए और अपना अच्छा यहाँ पे प्रयास करती हुई। रन संख्या स्कोर कार्ड के ऊपर 11 रन। सलामी बल्लेबाज जो नूरा और उसी के साथ रमीज मैदान के अंदर है, बल्ले से निकलते हुए अब तक ये 2 अच्छे शॉट और 10 रन में उसको परिवर्तित किया, 10 रन में तब्दील कर दिया, और 2 अच्छे बड़े स्ट्रोक देखने को मिले नूरा के बल्ले से, 1 छक्का और 1 चौका। दोनों ही यहाँ पे अगर स्ट्रोक देखे जाए तो काफी खूबसूरत थे, काफी बेहतरीन थे, काफी दिल ललचाने वाले थे। पहला स्ट्रोक अगर देखा जाए तो बहुत ही अच्छा मिडलिंग किया, हाफ वाली पे गेंद को ड्राइव कर दिया एक्स्ट्रा कवर की दिशा में, चौका बस यहाँ पे अंकित कर लिया, उसके बाद अच्छी गेंद और अच्छे गेंद के ऊपर एक अच्छा समाचार लिया बल्लेबाज नूरा ने, गेंद को मिड विकेट की दिशा में 6 रन के लिए निकाल दिया। अगली गेंद नितेश की, देखना है कैसे कमबैक करते हैं। नूरा को सामने खेल दिया, बॉल्स बैक ड्राइव, और बहुत ही बढ़िया बल्लेबाज को मजबूर किया सामने खेलने के लिए, और बेहतरीन यहां पे कैच स्लिप का और पहले विकेट का यहां पे पतन होता हुआ। नूरा बैक टू द पवेलियन। We'll be right back.
इस बदलापुर टीम के काफी विस्फोटक बल्लेबाज के रूप में माने जाते हैं नूरा, और क्या यहाँ पे नीतेश ने ये पहला विकेट चटका के यहाँ पे आगाज कर दिया है, क्या यहाँ पे ठोस शुरुआत कर दी अपनी विजय की, यहीं से मैच को अपनी तरफ खींच लेंगे क्या, देखना होगा आने वाली गेंदों में और आने वाले ओवरों में। रन का टीम की रन से का स्कोर कार्ड के ऊपर 11 रन और पहला यहाँ पे विकेट का पतन होता हुआ सलामी बल्लेबाज नंबर वन पे आए थे नूरा, वो यहाँ पे पैवेलियन में लौटते हुए और उनकी जगह पे आए हैं बल्लेबाज खुद कप्तान नन्ना शेख। तीसरे नंबर पे आती है वो जिम्मेदारी रिस्पॉन्सिबिलिटी, और उसी जिम्मेदारी के साथ अपने टीम के लिए अच्छे स्कोर यहाँ पे बनाना जरूरी, अपने टीम के लिए खड़ा रहना जरूरी, और वही करना होगा नन्ना शेख को। नीतेश की अगली गेंद और हम राइट आर्म विकेट गेंदबाजी करते हुए नन्ना के लिए बैकफुट पे गए, जगह बनाई, काफी यहाँ पे समय था और गेंद को एग्जीक्यूट कर दिया एक्स्ट्रा कवर बाउंड्री के बाहर और ये चौका। क्या इस ओवर की समाप्ति के बाद रन संख्या में वृद्धि होती हुई 15 रन, इस ओवर के बाद कुछ यहां पे अलग देखने को मिलेगा या निर्जय टीम यहां पे कमबैक करने की कोशिश करेगी, क्या ये इस बल्लेबाजों को यहां पे रोक के रखेगी और अच्छी नींव रखते हुए, अच्छी गेंदबाजी करते हुए, अच्छी फील्डिंग करते हुए सामने वाली टीम को रोकना काफ़ी ज़रूरी होगा, और वही देखना है कि आने वाली चार ओवरों में किस प्रकार की गेंदबाजी होती है निर्जय धर्म की टीम की तरफ से। चेतन नए गेंदबाज, ये ऐसे गेंदबाज है जिन्होंने हर टाइम जब भी टीम को जरूरत तभी तभी अपने टीम के लिए एक अच्छी गेंदबाजी यहाँ पे अच्छी नींव रखी है, अच्छे विकेट चटका है, ये इनकी पहचान है। मैं तो कहूँगा कि इनका नाम चेतन के बजाय चेतक होना चाहिए था, क्योंकि चेतक अगर देखा जाए तो घोड़े को भी नाम देते हैं, इस नाम से भी एक मूवी भी काफ़ी फेमस है, तो चेतक वैसी गेंदबाजी उनके माध्यम से देखने को मिलती है, वैसी गेंदबाजी की छाप अब तक इन्होंने पूरे टूर्नामेंट में रखी है, ये भी इनकी पहचान है। रमीज तो अशफक पटेल की तरफ से भी एक इनाम आ चुका है बल्लेबाजी करने वाली बदलापुर टीम को, तीन गेंदों में तीन अगर छक्के आप जड़ देते हो तो 5,000 का नगद इनाम दिया जाएगा। चेतन चले सामटोली एंड से गेंदबाजी करेंगे और बल्लेबाजी के लिए आए हैं स्ट्राइक एंड के ऊपर रमीज उर्फ पापा। पहली गेंद चेतन की, विकेट गेंद को उठा के खेलने की कोशिश, लेकिन गेंद हवा में थी, यहां पे अच्छा प्रयास, कप्तान गेंद के नीचे थे, लेकिन चेतन अपनी जिम्मेदारी बखूबी निभा रहे, अच्छी गेंदबाजी कर रहे, लेकिन फील्डर की साथ मिलना उससे भी ज्यादा जरूरी। मैंने पहले ही कहा था इस ओवर के बाद अब कमबैक करने की कोशिश करेंगे क्या, जी हाँ, शुरुआत तो बहुत ही बढ़िया की थी, अच्छी गेंदबाजी की थी, कैच भी आया था, लेकिन उसको लपक नहीं पाए, उसको ग्रीप नहीं कर पाए और यहाँ पे पापा का यहां पे कैच छूटा हुआ। रन संख्या 15, ऑन साइड में गेंद को खेल दिया, गेंद निकलती हुई ट्रैवल होती बैकवर्ड स्क्वायर की दिशा में, नीतीश वहां पे आए, गेंद को उठाया, बहुत ही अच्छी फील्डिंग देखना है वहां पे, प्रयास हो रहा है, लेकिन टप्पा गिरने के बाद गेंद थोड़ी सी रुक सी गई, थम सी गई और आहिस्ता निकल गई वो संतोष के हाथों में, और तब तक बल्लेबाज ने तेजी के साथ दो रन यहां पे चटका लिए। इस दो रन के साथ रन संख्या में वृद्धि होती हुई 17 रन स्कोर कार्ड के ऊपर, पे बदलापुर की टीम प्रयास कर रही है 48 रनों का पीछा कर रही है और अब तक बने हैं 17 रन, मैदान के ऊपर अभी भी 31 रनों की आवश्यकता, क्या अब गेंदबाजी में अच्छी परिवर्तन लाके अपनी सामने वाली टीम को यहां पे खड़ा रखने की कोशिश गेंदबाज करेंगे, चेतन अच्छी गेंदबाजी करने की कोशिश करें, क्योंकि ये पावर प्ले का दूसरा ओवर है, पावर प्ले के पहले ओवर में नीतेश ने 15 रन खर्च किए, एक छक्का दो चौका देखने को मिला, लेकिन उसके बाद अगर देखा जाए तो एक विकेट भी उन्होंने उस ओवर में चटकाया था। चेतन अगली गेंद पापा के लिए, इस गेंद को खोद के निकला, वहां पे खिलाड़ी मौजूद, लेकिन खिलाड़ी से गेंद काफी दूर का पीछे जाती हुई, जब तक वहां से चेतन आते गेंद उठाते तब तक वहां पे दो रन का इजाफा, केतन थे वहां पे मेन इन रेड कैप जो लॉन्ग ऑफ में खुद को पोजीशन किया उन्होंने, लेकिन अगर देखा जाए शॉर्ट एक्स्ट्रा कवर में अजय थे, जूनियर अजय, और उनके बाजू से गेंद निकल गई, तब तक दो रन का इजाफा पापा के खाते में, रमीज के खाते में और टीम के खाते में, दो रन के साथ रन संख्या में वृद्धि होती हुई वो 19 रन स्कोर कार्ड के ऊपर।
पारी का दूसरा ओवर पावर प्ले का चलता हुआ गेंदबाज चेतन का, यहाँ पे ऑन साइड में गेंद को खेल दिया शॉर्ट मिड विकेट्स में। यहाँ पे योगेश थे, बहुत ही बढ़िया फील्डिंग का मुजाहरा, अच्छी फील्डिंग, यहाँ पे गेंद को रोक दिया और आने वाली और एक रन को निश्चित समय जरूर कहूंगा कि यहाँ पे जो गेम बल्लेबाजी करने वाली टीम और एक रन की यहाँ पे मांग कर रही थी उसको भी परास्त कर दिया और एक रन से यहाँ पे बल्लेबाज को संतुष्ट होना पड़ेगा वो पापा को। रन संख्या में वृद्धि, रन संख्या स्कोर कार्ड के ऊपर 20 रन, यहाँ पे 48 रनों का पीछा चल रहा है बदलापुर की टीम के द्वारा। लाउड अपील यहाँ पे देखना है योगेश इंद्रेकर के ऊपर, यहाँ पे प्रेशर डालने की कोशिश यहाँ पे बल्ले यहाँ पे खिलाड़ी कर रहे, लेकिन वही अंपायर उनको जब बता रहे जता रहे कि गेंद स्टंप को छोड़ के जा रही थी, यहाँ पे स्टिक को छोड़ के जा रही थी, इसलिए इस अपील को पूरी तरह से खारिज करते हुए योगेश इंद्रेकर। रन संख्या अभी भी वहीं पे रुकी हुई, इस ओवर की अगर बात करें अब तक 7 रन खर्च किए, अच्छी गेंदबाजी करने की 5 रन खर्च किए, अच्छी गेंदबाजी करने की कोशिश यहां पे गेंदबाज चेतन कर रहे। गेंद को उठा के खेल दिया, देखना है खिलाड़ी उनकी पहुंच से काफी दूर, बहुत ही बढ़िया और दर्शनीय फ्लैट स्ट्रोक पैरेलल स्ट्रोक, गेंद सीमा रेखा के बाहर और ये 6 रन। रन संख्या स्कोर कार्ड के ऊपर 2 ओवर की समाप्ति बाद हो चुकी है 26 रन, अभी भी 22 रनों की आवश्यकता आने वाले 18 गेंदों में। 18 बॉल एंड 22 विन, आप देख रहे हैं हमारे साथ काफी सारे हमारे मेहमान इस व्यासपीठ के ऊपर इस मैच का लुफ्त उठाते हुए, और उसी के साथ मंगेश जुड़े जी की काफी यहाँ पे मित्र परिवार आता हुआ इस टूर्नामेंट के लिए उनका काफ़ी सपोर्ट रहा है, उसी के साथ उनकी हौसला अफजाई करते हुए इस टूर्नामेंट के बारे में उनको ज़रूर यहां पे शाबाश की ज़रूर देंगे कि इतना बढ़िया आयोजन इस टूर्नामेंट के माध्यम से देखने को मिला है। देखना है 18 गेंदे अभी भी शेष है, 18 गेंदों में 22 रनों की आवश्यकता। जी हमें यहाँ पे जरूर एक बात कहना चाहूँगा दोनों टीम के लिए कि कुछ भी मुमकिन है, अगर आपके पास क्षमता है, आपके पास अगर पोटेंशियल है तो जरूर आप कौन सा भी मुकाम हासिल कर सकते हैं। सिर्फ यहाँ पे विनती है कि दोनों टीम के कप्तानों से कि प्लीज आप फास्ट खेलें क्योंकि ज्यादा वक्त ना ले और तुरंत मैच को स्टार्ट करें। आपकी क्षमता, आपके पास सेल्फ कॉन्फिडेंस, आत्मविश्वास, इसकी जरूर यहाँ पे आपके पास पूरी तरह परफॉर्मेंस होना चाहिए और वही वहां पे दिखाते हुए कोशिश करते हुए अभी भी 18 गेंदों का शेष बाकी है। दोनों टीम के माध्यम से अगर बोला जाए, दोनों टीम के बारे में, दोनों टीम की तरफ से अभी भी मैच ओपन है, अभी भी मैच खुला है और देखना है अब गेंदबाज खुद कप्तान आए हैं यहाँ पे, अब एक ऐसी गेंदबाजी करनी होगी, एक ऐसी गेंद यहाँ पे करनी होगी सामने वाले बल्लेबाज को परेशान करने के लिए और ऐसी यहाँ से एक जीत यहाँ पे हासिल करनी होगी जो आने वाले कई वर्षों तक इस टूर्नामेंट के हर एक प्रेक्षक, हर एक प्लेयर, हर एक आयोजक इस जीत को याद रखेगा। पहली गेंद रिवर्स के माध्यम से खेलने की कोशिश, बहुत ही बढ़िया गेंद, पूरी तरह से यहां पे नजर हटा दी गई बल्लेबाज की। कंसंट्रेशन काफी जरूरी, एकाग्रता काफी जरूरी, आई साइड आपका स्ट्रांग होना चाहिए ऐसे शॉट खेलने के लिए। पहली गेंद अजय की डॉट, उठा के खेलने की कोशिश काफी जोरदार और ये आउट, यहां पे बहुत ही बढ़िया विकेट यहां पे चटकाते हुए विश्वास यहां पे खुद के गेंदबाजी के ऊपर दिखाया खुद कप्तान ने अजय ने और आते ही दूसरी गेंद के ऊपर बल्लेबाज को चलता किया बैक टू द पवेलियन। टूर्नामेंट का दिन में आयोजन किया है तो आप आवाज कितना भी बढ़ाओ किसी को फर्क नहीं पड़ने वाला, लेकिन अब अगर 10 बजते रात के तो आवाज कम करनी ही पड़ती है। राहुल को यह बात जरूर पता होगी, मयूर को, बहुत ही बढ़िया यहाँ पे संगीत यहाँ पे हमारे दर्शकों के तक पहुंचाते हुए। तो दूसरा विकेट का पतन और अजय को मिलने वाली है पहली सफलता। 2 विकेट के नुकसान के ऊपर रन संख्या मुझे बताया रहे संदेश की हो चुकी है वो 26, 26 रन, अभी भी 22 रनों की आवश्यकता, स्टिल 22 विन, अभी भी 22 रन चाहिए आने वाली 16 गेंदों में। अजय क्या इन्होंने आगाज कर दिया है आने वाले ओवरों में, इस मैच को हम जरूर जीत पाएंगे, ऐसी गेंदबाजी हम जरूर करेंगे। गेंद को ड्राइव कर दिया, लॉफ्ट कर दिया, गेंद जाती हुई पीछे, डीप एक्स्ट्रा कवर से खिलाड़ी आते अजय पाटिल, तब तक गेंद उठा दी, तब तक 1 रन का इजाफा।
अच्छी गेंदबाजी के साथ यहाँ पे कमबैक करना पड़ेगा। एक रन यहाँ पे मिलता हुआ टीम के खाते में, रन जुड़ते हुए 27। अगली गेंद जय की, नन्ना शेख के लिए बहुत ही बढ़िया गेंद, पूरी तरह डोमिनेट कर दिया। बल्लेबाज आगे बढ़े थे, स्टेप आउट हुए थे, लेकिन जैसे गेंद दिखी काफी यॉर्कर लेन की गेंद थी, ऑफ स्टंप के थोड़ी सी बाहर, अपने कदम पीछे रोक लिए और बैट को भी नीचे रख दिया और गेंद को जाने दिया कीपर के दस्तानों में। वेरी गुड बॉलिंग अजय दरवा। गेंद हवा में है, यहाँ पे एक मौका, कौन आएगा, कौन कैच लेगा, कौन यहाँ पे स्वीकारेगा ये कैच, और बहुत ही बढ़िया यहाँ पे विकेट, बहुत ही बढ़िया यहाँ पे कैच लेते हुए योगेश पाटिल ऑन फायर, और बढ़िया गेंदबाजी यहाँ पे नीलजे के माध्यम से। क्या यहाँ से कमबैक करेंगे, क्या यहाँ से ऐसी जीत दिलाएंगे कि आने वाली कई वर्षों तक इस टीम को, इस मैच को, इस टूर्नामेंट को ये दर्शक याद रखेंगे। तर प्रभाकर खांबाळे यांचं आगमन होतंय, त्यांचं निश्चितच या स्पर्धेच्या माध्यमातून आम्ही मनपूर्वक आणि हार्दिक स्वागत करत आहोत। क्या बेहतरीन गेंदबाजी, क्या सेल्फ कॉन्फिडेंस है, क्या आत्मविश्वास है सर चर पे, निश्चितच मैं जरूर कहूंगा यहाँ पे परचम लड़ता हुआ। अच्छी गेंदबाजी का मुजहरा करते हुए दो विकेट चटकाए खुद कप्तान ने। वेरी गुड बॉलिंग अजय के माध्यम से गेंद को उठा के खेल दिया, स्टेप आउट हुए थे, बहुत ही बढ़िया स्ट्रोक वहाँ पे, खिलाड़ी गेंद के नीचे, अजय पाटिल आए गेंद को यहाँ पे तब तक फेंकते, तब तक एक रन का इजाफा और अच्छा ओवर यहां पे समाप्त होता हुआ। अच्छी गेंदबाजी, काफी काबिले तारीफ गेंदबाजी, सिर्फ दो ओवर, इस ओवर में सिर्फ दो रन खर्च किए, सिर्फ दो गेंदे डॉट और दो पेश कीमती विकेट चटकाए, अच्छी गेंदबाजी। रन संख्या बनी स्कोर कार्ड के ऊपर 28, अभी भी मैदान के ऊपर 20 रनों की आवश्यकता आने वाले 12 गेंदों में। आइए तब तक ड्रिंक ब्रेक के लिए ट्रॉली अंदर गई है और जरूर मुड़ेंगे और एक अच्छा संगीत मयूर के माध्यम से हम जरूर सुनेंगे। बल्लेबाजी करने वाली टीम को कि आपको जो भी रिक्वायरमेंट है तो हमारे वॉलंटियर से आपको बोलना है, आपका खुद का प्लेयर मैदान के अंदर नहीं आएगा। ये कुछ नियम है इस टूर्नामेंट के, इसको याद रखना है आपको। और एक अच्छा मुकाबला यहाँ पे चल, इस मुकाबले का आनंद लुफ्त उठाते हुए जो दर्शक काफी देर से शांत थे, अब मैच का आनंद लेते हुए इस मैच का लुफ्त उठाते हुए, क्योंकि अगर देखा जाए तो 18 गेंदों में 22 रनों की आवश्यकता थी और उस टाइम पे अगर देखा जाए तो खुद कप्तान आए, कप्तान की यहाँ पे जिम्मेदारी उन्होंने बखूबी निभाई और अच्छा ओवर यहाँ पे फेंका, सिर्फ दो रन खर्च किए इस ओवर में, दो विकेट चटकाए और बदलापुर की टीम को पूरी तरह बैकफुट पे ढकल दिया। और इस ओवर से अगर बात करें तो अजय ने क्या आगाज कर दिया है कि आने वाले ओवरों में इस टीम को पूरी तरह से शांत रख के हम इस मैच को एक अच्छी नींव के साथ, अच्छी नरेंद्र दीदी के साथ यहाँ पे जीत पाएंगे। देखना है, 12 गेंदे अभी भी शेष और चेतन के हाथ में थमा दी गेंद, जो चेतन एक बहुत ही बेहतरीन गेंदबाज के रूप में माने जाते हैं। आने वाली 12 गेंदे और 20 रनों की आवश्यकता दोनों टीम के लिए, हमारे चहीते दर्शकों से बेस्ट ऑफ लक। गेंद को ऑनसाइड में मोड़ दिया, स्क्वायर लेग की दिशा में खिलाड़ी मौजूद, वहां पे खिलाड़ी आते हुए योगेश, बहुत ही बढ़िया फील्डिंग, अच्छी थ्रो, वेरी गुड फील्डिंग। अगर बल्लेबाज अपना काम कर रहा है तो उनको पूरी तरह 100% सपोर्ट देना काम है फील्डरों का, और वही यहाँ पे योगेश करते हुए, वही यहाँ पे अजय भी करते हुए। अजय की गेंदबाजी की ओर दो बार गेंद अजय के पास निकल गई और अजय ने बहुत ही बढ़िया वहां पे फील्डिंग दिखाई। क्या यहां से कमबैक करेंगे,
जी हाँ, पहले ही ओवर में अजय ने अपने टीम के खाते में एक विकेट यहाँ पे चटकाया, अपना पहला ओवर यहाँ पे जब फेंकने आए थे तभी एक विकेट चटकाया, तभी से यह मैं जरूर कहूंगा कि शुरुआत कर दी, लेकिन चेंदन उसके ऊपर देखना है क्या करामत करते, इनको उठा के खेलने की लीडिंग एज लिया, गेंद पीछे जाती हुई स्क्रीन के सामने और एक चौका आता हुआ टीम के खाते में 4 रन। इस 4 रन के साथ एक संघर्ष कर यहाँ पे चौका, मैं जरूर कहूंगा कि काफी देर से बल्ले शांत थे, गेंदबाज अपनी गेंदबाजी से अपना परचम लहरा रहे थे और अब इस मैच के अंदर अगर देखा जाए तो इस ओवर में चौका लगने के बाद जो रन संख्या काफी देर तक रुकी हुई थी अब आगे बढ़ती हुई, वो स्कोर कार्ड के ऊपर 33 रन, स्टिल 15 to win, अभी भी 15 रनों की आवश्यकता है मैदान के ऊपर। इस गेंद को लाउड अपील कर दिया और एक विकेट, बहुत ही बढ़िया गेंदबाजी, अपने कंधों के ऊपर विश्वास दर्शाया यहाँ पे कप्तान ने और उस विश्वास के ऊपर खरे उतरते हुए अच्छी गेंदबाजी करते हुए अगले बल्लेबाज को यहाँ पे लेग बिफोर विकेट करार दिया गया योगेश इंद्रेकर द्वारा और बल्लेबाज आउट। नए आने वाले बल्लेबाज केश नागेश, लेकिन मैं तारीफ करूंगा चेतन की, क्या क्विक रिप्लाई दिया है, इसके पहली गेंद के ऊपर अगर चौका जड़ दिया आपने तो आने वाले अगली गेंद के ऊपर मैं आपको रोक के रखूंगा और वहां पे यहां पे आउट कर दिया लेग बिफोर विकेट चिकन। अगली गेंद अभी भी 15 रनों की आवश्यकता, गेंद को स्ट्रेट ड्राइव कर दिया, गेंद जाती हुई वहां पे विशाल के हाथ में, विशाल जब तक वहां से गेंद उठा दे तब तक 1 रन का हिसाब, वेरी गुड फील्डिंग, लाजवाब, एक भी यहां पे मिसफील्ड देखने को नहीं मिली है। अगर पूरे ओवर की अगर बात करते एकमात्र वाइड नितेश के माध्यम से फेंका गया है, यही एक एक्स्ट्रा रन है, एक यहां पे अगर देखा जाए तो ये एक एक्स्ट्रा रन, लेकिन फील्डिंग में काफी बेहतरीन फील्डिंग यहां पे देखने को मिली है, सिर्फ 1 रन मिलता हुआ स्कोर कार्ड के ऊपर रन संख्या हो चुकी है 34, अभी भी 14 रनों की आवश्यकता आने वाली 7 गेंदों के ऊपर, 7 गेंदें 14 रन। ओ व्हाट अ बॉलिंग, बेहतरीन गेंदबाजी, बल्लेबाज को पूरी तरह शांत करते हुए गेंद पीछे निकल गई और इसी के साथ अगर देखा जाए तो अभी भी 7 गेंदे शेष है, मुझे अभी बता रहे हमारे स्कोरर संदेश कि अभी भी 7 गेंदे शेष है, क्योंकि अगर देखा जाए तो पहले गेंद के ऊपर चौका, उसके बाद विकेट, एक सिंगल, एक चौका, विकेट, एक सिंगल, उसके बाद डॉट, मिला के 5 गेंदे हो चुकी है इस ओवर में, अभी भी 7 गेंदे शेष और 7 गेंदों पर चाहिए वो 14 रन बदलापुर टीम को। गेंद हवा में है, देखना है खिलाड़ी शॉर्ट कवर से पीछे जाते हुए गेंद उठा दिया वहां पे, हाथ से बाउंस होती हुई, लेकिन तब तक बल्लेबाज के खाते में 2 रन का इजाफा होता हुआ, यहां पे अच्छा प्रयास था, खिलाड़ी गेंद के नीचे आए थे मंगे, लेकिन गेंद को आखिरी क्षण में ग्रीप नहीं कर पाए, उनके हाथ से गेंद चिटक गई, बाउंस हुई और तब तक बल्लेबाजों ने इस राहत की सांस ली और 2 रन यहां पे पूरे कर लिए। देखना है अब गेंदे शेष है वो 6, आने वाली 6 गेंदों में रन की आवश्यकता है वो 12 और देखना है ये 12 रन कंप्लीट करने के बाद एक अच्छा यहां पे मैच को जीतने का ख्वाब लेके मैदान में उतरी बदलापुर टीम इस मैच को जीत पाएंगी या नहीं, या गेंदबाज फिर एक बार हावी होंगे और अपनी गेंदबाजी में अच्छी गेंदबाजी करते हुए अपने टीम के लिए ये ऐसी जीत दिलाएंगे वो आने वाली काफी वर्षों तक इस पूरे मैदान के अंदर जो जनता बैठी है, जो दर्शक बैठे, जो प्रेक्षक बैठे, इस मैच को, इस टूर्नामेंट को कभी नहीं भूल पाएंगे। 6 गेंदे और 6 गेंदों पे चाहिए वो 12 रन। व्हाट अ मैच, 48 एक माफक लक्ष्य गेंद का अपने सामने रखते हुए बदलापुर की टीम मैदान के अंदर हुई उतरी, लेकिन उस बदलापुर की टीम को पूरी तरह से बैकफुट पे ढकेल दिया, सबसे बढ़िया काम कप्तान का, कप्तान आए एक ओवर फेंका, अपना काम किया, बाजी हो गए, लेकिन बदलापुर की टीम को पूरी तरह पे बैकफुट पे फेंक दिया। अगर देखा जाए तो चेतन ने 8 रन दिए और आने वाली एक ओवर के लिए उन्होंने बचा के रखे हैं वो 12 रन। गेंदबाजी में तब्दीली,
पारी का सबसे अहम सबसे महत्वपूर्ण ओवर लेके गेंदबाज तैयार मंगेश पाटिल। फील्डिंग तब्दीली चाहते हैं, स्टंप्स के पीछे से संतोष, देखना है सामने बल्लेबाज है स्ट्राइक एंड के ऊपर। राउंड विकेट, गेंद को हवा में खेल दिया और गेंद सीमा रेखे के बाहर दर्शकों में जाके गिरती हुई 6 रन। अच्छा यहाँ पे हमें इंफॉर्मेशन मिलती हुई गौरव सावन के माध्यम से, क्योंकि अगर देखा जाए तो फेसबुक पे भी आप इस टूर्नामेंट का लुफ्त उठा सकते हैं, और फेसबुक अगर देखा जाए तो अब तक 1100 से ऊपर के व्यूवर्स यहाँ पे इस मैच का लुफ्त उठाते हुए मैच को अभी भी लाइव देख रहे हैं। और उसी के साथ अगर tenniscricket.in यूट्यूब की अगर बात करें तो कम से कम 1500 के ऊपर दर्शक इस मैच का लुफ्त उठाते हुए, इस मैच को लाइव देखते हुए, और सभी ने चैट भी किया है। अगर देखा जाए तो मैंने कल भी कहा था कि सिर्फ अगर मोबाइल की बात करें तो मोबाइल के ऊपर और चैट नहीं कर सकते, अगर लैपटॉप है, अगर कंप्यूटर है तो उसके ऊपर आप इस मैच को अगर देख रहे हो तो इस पर्टिकुलर गेंदबाज के ऊपर, पर्टिकुलर गेंद के ऊपर, पर्टिकुलर यहाँ पे मैच के लिए आप अगर देखा जाए तो इस मैच को, इस टूर्नामेंट के लिए आप टेक्स्ट कर सकते हो, लाइव चैट कर सकते हो। और सभी ने चैट करने के बाद सिर्फ 2 नाम ऊपर लिए हैं, वो चेतन धुड़े साहब और मंगेश धुड़े साहब को काफी यहाँ पे शुभकामनाएं दी है इस मैच के लिए, इस टूर्नामेंट के लिए काफी बढ़िया आयोजन देखने को मिल रहा है। तो 6 रन आए हैं इस मैदान के ऊपर, क्योंकि 6 गेंदों में 12 रन की आवश्यकता थी और पहली गेंद के ऊपर 6 रन जड़ दिए। मंगेश का ये पहली गेंद खराब साबित होती हुई और 6 रन के साथ रन संख्या में वृद्धि होती हुई तेजी के साथ वो 42 रन, 48 रन, अभी भी 6 रनों की आवश्यकता आने वाली 5 गेंदों में, 5 गेंदें 6 रन की आवश्यकता, 5 गेंदें 6 रनों की आवश्यकता इस टूर्नामेंट के लिए। हमारा हमको नेट प्रोवाइडर किरण कालेकर साहब ने दिया, उनका तहे दिल से यहाँ पे शुक्रिया अदा करता हूँ। उसी के साथ और एक नाम मैं ज़रूर लेना चाहूँगा, शैलेश भाई पटेल, जिनके माध्यम से इस टूर्नामेंट में पानी की व्यवस्था की गई है। इस गेंद को सामने खेल दिया, बॉलर्स बैक ड्राइव, गेंद खिलाड़ी की पीछे आती की नीचे आती हुई, वहाँ से खिलाड़ी तब तक गेंद उठाते, विशाल अच्छी फील्डिंग और 1 रन का इजाफा। तो नागेश के लिए एक यहाँ पे इनाम आ चुका है, 500 रुपए का नगद इनाम, नगर सेवक सुनील भगत के माध्यम से, एसबी ग्रुप के माध्यम से इस बल्लेबाज के लिए, नागेश के लिए एक इनाम आ चुका है 500 रुपए का। 4 गेंदे अभी भी शेष है और 4 गेंद में चाहिए वो 5 रन। अगली गेंद मंगेश की, राउंड विकेट, इस गेंद को उठा के खेल दिया खिलाड़ी, गेंद के नीचे देखना है, वहां पे गेंद निकलती हुई तेजी के साथ, मंगेश चेतन वहां पे गेंदबाज, जब तक वहां से गेंद उठा दी तब तक 2 रन 3 रन के ला निकल पड़े यहाँ पे नागेश और 3 रन का इजाफा यहाँ पे होता हुआ। मैच इज ऑन फॉर बदलापुर, यहाँ पे आखिरी क्षण में बल्लेबाज अपनी करामत दिखाते हुए, बल्लेबाजी में अच्छी बल्लेबाजी दिखाते हुए, तब्दीली लाते हुए रन संख्या में वृद्धि होती हुई स्कोर कार्ड के ऊपर 46 रन। अभी भी 2 रनों की दरकार है, अभी भी 2 रन चाहिए, आने वाली 3 गेंदों में 2 रन की आवश्यकता। देखना है इस टूर्नामेंट का नियम क्या कहता है। इस टूर्नामेंट में नियम ऐसे है, अगर मैच अगर टाई हो जाता है, पानी नहीं दिया जाएगा, हमारे आयोजक के द्वारा हमको आपको यहाँ पे सूचित किया जाता है पानी नहीं मिलेगा, मैच को कंटिन्यू करना है, आने वाली 3 गेंद और 2 रनों की आवश्यकता। अगर देना है तो आप प्लीज अपने वॉलंटियर्स को भेजिए पानी लेके, या लेके जाइए, प्लीज लेके जाइए। जी हाँ, शैलेश भाई पटेल के माध्यम से इस पानी का यहाँ पे प्रयोजन किया गया है कि उनके माध्यम से हमको इस पानी की सुविधा इस टूर्नामेंट के लिए, हमारे आयोजकों के लिए, हमारे खिलाड़ियों के लिए, उसी के साथ अगर देखा जाए तो अतिथि कक्ष में जो अतिथि आए हैं उनके सभी के लिए पानी की व्यवस्था हमारे पास की गई हो शैलेश भाई पटेल के माध्यम से। मैं विनती करता हूँ शैलेश भाई पटेल को, अगर आप आए हैं, आई थिंक आप इस मैदान के अंदर है, तो प्लीज यहाँ से आपको मैं विनती करता हूँ कि प्लीज आपको इस स्टेज के ऊपर आना है, इस वीआईपी डाइस के ऊपर आना है।
क्या इस मैच में अभी भी बाकी है, क्या इस मैच में जान बाकी है, तीन गेंदों में क्या छुपा है, दो रनों में क्या छुपा है, इस मैच का भविष्य, इस मैच को किस तरफ लेके जाएंगे, बदलापुर या निर्जय, निर्जय या बदलापुर, कौन इस मैच को जीत पाएगा, कौन इस मैच में जीतने के बाद जीत का परचम लहराएगा, आने वाली तीन गेंदों में आपको ये जवाब जरूर मिलेगा। एक अच्छा मैच, एक अच्छी रणनीति के साथ खेलते हुए दोनों टीमें एक दूसरे के सामने भिड़ते हुए बदलापुर बनाम निर्जय, आने वाली तीन गेंदों में चाहिए दो रनों की आवश्यकता। चैंपियन एक चैंपियन के दिशा में यहां पे एक कदम आगे बढ़ाते हुए, जी हां, अगर मैच यहां पे टाई होता है तो आपको सुपर ओवर खिलाया जाएगा। देखना है इस टूर्नामेंट का पहला सुपर ओवर बदलापुर बनाम निर्जय के बीच में होता है या नहीं। मंगेश तैयार, अगली गेंद लेके यहाँ पे फील्डिंग में तब्दीली चाहते, ज्यादा वक्त न ले, मैच को तुरंत स्टार्ट करना है। खिलाड़ी काफी पीछे खड़े हैं, विशाल लॉन्ग ऑफ में, किशा खिलाड़ी खड़े वहां पे, अजय शॉट एक्स्ट्रा कवर में, अब आए हैं वो विकी और सर्कल के बाहर केतन। अगली गेंद के मंगेश की, इस गेंद को उठा के खेल दिया, दिशा दी और मैच को फिनिश कर दिया। एक ऐसा मुकाबला, एक ऐसा यहां पे रोमांच देखने को मिला जहां पे बदलापुर की टीम टूटी पूरी तरह से बैकफुट पे थी और आखिरी क्षण में अपरकट के माध्यम से गेंद को सिर्फ पुश कर दिया, दिशा दी और निर्जय टीम के सामने एक अच्छा लक्ष्य देखने को मिला, एक अच्छा परफॉर्मेंस देखने को मिला और इस मैच को बदलापुर की टीम ने एक चैंपियन के सामने जीता है और इस चैंपियन टीम को अच्छा परफॉर्मेंस देने के लिए मजबूर किया, अच्छी गेंदबाजी करने के लिए यहां पे मजबूर किया और अच्छी बल्लेबाजी यहां पे देखने को मिली बल्लेबाजी करने वाली बदलापुर टीम की। बटन उगड़ी छाती वरी बचतो लागल्या मदी आमचे मंगेश भाई।